मालूम है तुम मनुवादियों के चंगुल में फंसे हो। ये सब जो है मनुवादी तुमसे करा रहे हैं। ये बाबा साहब का नाम पसंद नहीं करते तो भीमा कोरेगांव पर इतनी बड़ी फिल्म आ रही, ये कैसे पसंद करेंगे? इनको एन केन प्रकार है ना इस फिल्म को रोकना है, लेकिन ताकत नहीं, कोई माई का लाल नहीं इस फिल्म को रोकना, रोक ही नहीं सकता कोई माई का लाल। तो चाल है मनुवादियों की, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या तुम अरुण शिंदे? कितनी बदनामी करोगे? यहाँ मध्य प्रदेश में आके देखो, अरे तोपखानों के सामने झुका नहीं है रमेश तेठे। क्यों? कि हर दम हर सांस में बाबा साहब के नाम की गूंज दिखाई देती है। मैंने मेरी पूरी नौकरी बाबा साहब की फोटो अपने ऑफिस के टेबल पर रख के की है, और यहाँ के देखो पूछो लोगों से रमेश तेठे का काम क्या है, कितने लोगों को मैंने मदद करी, और तुम मुझे इस तरह से बदनाम करोगे? और तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? बाबा साहब अम्बेडकर का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को तहस नहस करके इस आंदोलन को ही, इस मोमेंट को ही निस्तनाबूद कर जो आने वाली फिल्म है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इसको ही रिलीज नहीं होने देंगे ये घोषित कर दिया, तब मुझे लगा कि ये आदमी समाज को धोखा दे रहा है। अब मैं आपके सामने इसलिए आया हूं, मेरा इसमें व्यक्तिगत मेरे बारे में क्या कहा गया सोशल मीडिया पे इस ब्लैकमेलर गैंग के द्वारा, गैंग लेड बाय अरुण शिंदे, वो देखकर और सुनकर तो मन को दुख तो होता है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन देखिए, अगर मैं नहीं बोला तो ठीक नहीं होगा, और मैं जब बोलूंगा, मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी बोलोगे उसका आधार होना चाहिए, और मैं आज आपके सामने सबूतों के साथ में आया हूं। और क्या सबूत? अरुण शिंदे जी ने जो जो बातें मेरे बारे में कही है, और ये कह रहे हैं कि वो सही है मैं गलत हूं, अब आज जो है इसमें देखेंगे आप कि कौन सही है और कौन गलत, और कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका भी फैसला हो जाएगा, आपके सामने रख रहे हैं। अब आते देखिए, अरुण शिंदे मुंबई से भोपाल आए बाय ट्रेन, मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी ने इनको रिकमेंड किया मेरे सामने कि साहब एक राइटर है, छोटा मोटा राइटर है, कम उम्र का है, मेरा परिचित है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आए। तो मैंने ठीक है बुला लीजिए। तो उसके अनुसार अरुण शिंदे ट्रेन से आए और यहाँ 2 महीने रहे भोपाल में, और वो आए तो ट्रेन से लेकिन गए फ्लाइट से, और दोनों टिकटों के पैसे हमने दिए। देखिए, पहले आए ट्रेन से लेकिन गए फ्लाइट से। अब इनकी खूब हमने मेहमान नवाजी की, उनको होटल में रुकवाया, और जितना कर सकते थे हम उतना सब कुछ किया, रोटी खिलाई। अरे अरुण शिंदे जी, कम से कम तुमने रोटी जो हमने खिलाई उसका लिहाज तो किया होता यार, हैं? जो तुमको रोटी खिला रहा है, तुम उसके चेहरे पे गंद फेंक रहे हो और उसको ये कह रहे हो कि तुम खुद भूखे रहो और तुम्हारा पेट पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, ये तुम्हारी अपेक्षा है। जो अरुण शिंदे के साथ में मेरा एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट में 4 पन्ने हैं, ये एग्रीमेंट किया गया
और इसको नोटराइज किया गया 12/12/2019 को भोपाल के नोटरी नौशाद कुरैशी साहब के द्वारा, और इन्होंने ये अटेस्ट करके इसको लीगल डॉक्यूमेंट घोषित किया, और ये एग्रीमेंट 4 पन्ने का एग्रीमेंट क्या कहता है देखिए। ये एग्रीमेंट है रमेश थिएटर फिल्म्स एंड मिस्टर अरुण साहेब राव शिंदे, रमेश थिएटर इज द प्रोड्यूसर एंड अरुण शिंदे इज द ग्रांटर, ग्रांटर। वो क्या कहता है एग्रीमेंट, इसका सेकंड पन्ना देखिए, पहला भी देखिए सेकंड पन्ना देखिए, सेकंड पन्ने पे आते हैं अपन, दूसरा पन्ना। इसमें टॉप पर लिखा है सेकंड पन्ने पे कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी बाय रमेश थिएटर, और उसके नीचे लिखा है आप देख रहे होंगे स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स बाय रमेश थिएटर, पहला नाम रमेश थिएटर एंड अरुण शिंदे। अरे अरुण शिंदे, तुमने खुद ये एग्रीमेंट किया है हमारे साथ में, तुम क्या कह रहे हो कि मेरी स्टोरी नहीं है, और तुम क्या कह रहे हो कि रमेश थिएटर का इसमें कुछ नहीं है करके, ये तुमने एग्रीमेंट किया ना, खुद देख लो तुम्हारा एग्रीमेंट है नोटराइज्ड है, तुम मुकर नहीं सकते इससे, तुमको हमने रंगे हाथ पकड़ा है तुमको। और ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि तुम ग्रांटर हो, तुमने ग्रांट क्या किया कि तुम्हारे साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, द ग्रांटर। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ये लाइन पढ़ना जरूरी है, द ग्रांटर ग्रांट्स टू द प्रोड्यूसर एक्सक्लूसिव लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ हिज स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हियरिंग आफ्टर कॉल्ड कंटेंट इन द सेड फिल्म और टीवी सीरीज वेब सीरीज एनी अदर एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपका स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो भी आप लिखोगे उसने वो आपने ग्रांट किया। इसमें यह नहीं लिखा कि आप 2 सीन लिखोगे, 3 सीन लिखोगे या 4 सीन लिखोगे या पूरी स्क्रिप्ट लिखोगे, इसमें सब कुछ है। और इस काम के लिए आपको कंपनी क्या मेहनताना देगी, इसकी फीस क्या होगी, आइए आप पेज नंबर तीन में पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस दी गई है। अब मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप द प्रोड्यूसर विल पे टू द ग्रांटर नॉन रिफंडेबल एडवांस लाइसेंस फीस अ फुल एंड फाइनल अमाउंट ऑफ ₹50,000 excluding GST less TDS for purchase of rights on outright basis for perpetual period on signing of this agreement। ये लिखा है इसमें, और फीस क्या थी साहब, 50,000। अब जो है आप आइए दूसरा डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूं, अच्छा इसका एक आखिरी दिखा रहा है, आखिरी भी पन्ना देख लीजिए, इसमें साइन की गई है मेरे द्वारा फॉर रमेश थिएटर फिल्म्स, और अरुण शिंदे ने जिस जहां नाम लिखा है ग्रांटर करके, अरुण साहेब राव शिंदे। अब दोनों के सिग्नेचर देखिए, ऊपर मेरा सिग्नेचर है रमेश थिएटर का, और नीचे अरुण साहेब राव शिंदे, जिसमें AS शिंदे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। और विटनेस कौन है, धनंजय गलानी और एक हर्षत माहेश्वरी, 2 विटनेसेस है, और ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये नोटराइज हुआ है, ये है इसका लीगल, ये है। अब मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूं, वो है बैंक स्टेटमेंट। 12/12/2019 को जब ये एग्रीमेंट हुआ उसके तत्काल बाद,
देखिए एग्रीमेंट क्या हुआ, 50,000। ये दो सीन लिखेंगे तो भी 50,000, चार लिखेंगे तो भी 50,000, पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो भी 50,000, यह तय हुआ था। लेकिन हमने उनके खाते में जो उन्होंने हमको बोला था 12/12/2019 को 1,00,000 रुपए, 45,000, 45,000 और TDS के 5,000, ऐसे इनके खाते में हमने डाले, ट्रांसफर हुए। ये उसका रिकॉर्ड है, ये उसका रिकॉर्ड है। और इसमें ये 12/12/2019 की बात है। उसके बाद 31/1/2020 को HDFC बैंक के माध्यम से फिर इनको 50,000 रुपए का पेमेंट किया गया है, उनका डायरेक्ट अकाउंट में गया है। मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट कितने का हुआ था, 50,000, हमने इनको पेमेंट कितना दिया, 1,50,000, यानी कि 3 गुना पैसा दिया हमने। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, ये तो हो गया उनके खाते के माध्यम से उनको मिला पैसा। ये जब हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे और ये कहने लगे हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर को, धनंजय गलानी को, कि साहब मुझे पैसा बढ़ा के दो, मैंने सोचा चलो हमारे समाज का लड़का है, समाज का लड़का है, ये नया राइटर है, इसको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। गिड़गिड़ाने लगा, बच्चे के जैसा गिड़गिड़ाने लगा। मुझे मेरे मन में करुणा का भाव, मेरे मन में ये भावना थी इसके बारे में कि चलो कोई बात नहीं, मन तो मैंने उसको कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम 4,00,000 मांग रहे हो ना, 4,00,000 मैं बाय चेक तुमको देता हूँ। बोले नहीं नहीं सर, हमको आज जाना है मुंबई, तो आप हमें कैश दीजिए, कैश मेरे भोपाल के बंगले पे, मेरे भोपाल के बंगले पे आए थे और भोपाल के बंगले पे 4,00,000 रुपए कैश मैंने इसको हैंड ओवर किया, 4,00,000 रुपए। कुल मिला के कितना मिला उसको, 4,00,000 ये है और 1,50,000 रुपए ये है, कुल मिला के कितना मिला। और एक बार उसको 50,000 रुपए हमने कैश में दिए थे, तो टोटल जो है 4.5 + 1,50,000, 6,00,000 का पेमेंट हमने दिया। सर एग्रीमेंट 50,000 का हुआ, एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आप ये करोगे, एक सीन लिखोगे, दो सीन लिखोगे, तीन लिखोगे, चार लिखोगे या पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे, आपको पैसा मिलेगा 50,000, आपने खुद इसका एग्रीमेंट किया है, आपको हमने दिए 6,00,000 रुपए, क्या हमने गलती करी, आपको दिया, आप मुकर सकते हैं लेकिन हम नहीं मुकरे, हमने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस बात का उल्लेख किया है और उसमें ये लिखा है कि आपको 4,00,000 का भुगतान हमारे द्वारा किया गया है। अब देखो लीगल पोजीशन क्या बनती है साहब, आपने जो एग्रीमेंट किया उससे ज़्यादा आपको पैसा दिया गया, अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं मेरे को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब तुम इतने लालची हो गए, तुम्हारे साथ पहले एग्रीमेंट हुआ 50,000 का, तुम मांगते 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 गए, हम देते रहे कि चलो अपना आदमी है, और अब तुम मतलब तुमको उंगली पकड़ने को दिया हमने और तुमने हमारा गिरेबान ही पकड़ लिया। अब ये देख लीजिए, इन्होंने हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है और आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे लिखा है वी द अंडरसाइंड हियर बाय स्टेट दैट वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन टू द प्रोडक्शन ऑफ ए फीचर फिल्म टाइटल्ड एज द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव अंडर द बैनर ऑफ रमेश थेटे फिल्म्स। ये देखिए सर, ये इनके फोटोज है, इनके सिग्नेचर्स है और ये जो है नोटराइज हुआ है, दीपाली आर शिंदे मैडम है, इन्होंने इसको नोटराइज किया है। इन्होंने बोला है कि आप जो है अगर फिल्म बनाते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब क्या है लीगली इस फिल्म को बनाने का हमें पूरा अधिकार हमने प्राप्त किया और ये फिल्म बनाने
की कार्रवाई हमने की। अब जो है तुम जब मेरे पास आए थे तो तुम मेरे पास समय समय पर डिस्कस करने के लिए आते थे। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, क्या कहा था मैंने, मैंने ये कहा था कि सुबोध नागदेवी जी ने पहली स्क्रिप्ट लिखी है वो हमें पसंद नहीं आई, उनकी भी स्क्रिप्ट हमने जो आउटराइट परचेस की, मतलब पूरा अधिकार हमारा है, हम अगर उनका नाम भी नहीं देते हैं ना तो वो भी हम लीगली करेक्ट है क्योंकि हमने खरीदा है उसको। वैसे भी तुम्हारी भी स्क्रिप्ट मैंने खरीदी, आउटराइट परचेस किया, तुम्हारा नाम भी देना कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आता हूं स्क्रिप्ट को बनाने की प्रक्रिया पर। क्या होता था, स्क्रिप्ट कोई भी बनती है ना, चाहे मेरी हो, मेरी फिल्म की हो या कोई अन्य फिल्म की भी हो, एक प्रक्रिया होती है, उसमें डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और उसमें तय किया जाता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है और किस तरह का वो उसमें नैरेटिव होगा। तो उसमें जो डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का जो नैरेटिव होता है उसके अनुसार स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। अब ये इनको जब हमने रखा था एडिशनल राइटर के रूप में, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एडिशनल राइटर के रूप में लिखने के लिए जब रखा था, तब हमारी जो बातचीत होती थी, जो पर्सनल बातें होती थी आमने सामने, और उसके बाद व्हाट्सएप चैट्स होते थे हमारे, तो उसमें ये कह रहे कि ये सब कुछ मेरा है, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट्स जो है वो दिखा रहा हूं, आप देखिए। इसमें लिखा है फ्रॉम द डे वन, यानी मैं कह रहा हूं फ्रॉम द डे वन आई हैड दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड बट नागदेवे कुड नॉट डेवलप द स्क्रिप्ट, देयरफॉर बोथ ऑफ यू आर हियर। बोथ ऑफ यू मतलब उनके साथ में एक व्यक्ति और थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन देवर टू, ठीक है। देयरफॉर बोथ ऑफ यू आर हियर सो स्टिक टू माई प्लान, आई एम रिपीटिंग, स्टिक टू माई प्लान, डोंट डेविएट, देन ओनली वी विल हैव अ गुड फिल्म। अरुण शिंदे क्या कह रहे हैं इसके जवाब में, नमस्ते सर, आई नो ऑल दिस। मैंने क्या बोला उस पर, यू मे बी नोइंग एवरीथिंग अंडर द सन, देखिए मेरा स्टेटमेंट देखिए, यू मे बी नोइंग एवरीथिंग अंडर द सन, योर आंसर टू माई प्रपोजल शुड बी इन टू सिंगल इनवर्टेड कॉमास, योर आंसर टू माई प्रपोजल शुड बी वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, अफकोर्स इफ यू एग्री, इन टू ब्रैकेट लिखा था, एंड नॉट आई नो ऑल दिस। ये मैंने लिखा था और इसके अनुसार इन्होंने ये अपने स्क्रिप्ट लिखने का काम किया है। सब कुछ मेरा था, ये मेरा बेबी है, ये मेरा बच्चा है, 5 साल मैंने इस पर काम किया है, रिसर्च किया है, एक एक किताब जो है खंगाली है, बड़े बड़े लोगों को लिया है, अशोक नगरे जैसे व्यक्ति जिन्होंने इतिहास के ऐसे पन्नों को ढूंढा है और दत्ताजी नलावड़ी जी और भी जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे हमने कंसल्ट किया है और कंसल्ट करने के बाद में ये स्क्रिप्ट बनी है और उसके आधार पे मैंने अपना नैरेटिव तय किया था। नागदेवी जी आए थे, उनकी स्क्रिप्ट थी, वो हमको पसंद नहीं, हमने पहले ले लिया, लेकिन इनिशियली जब इसका रीडिंग हुआ तो हमने उस पर विचार किया कि इनमें क्या क्या खामियां हैं। मैंने उनको बताई, नागदेवी जी को मैंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको तो इतिहास के अनुसार चलना पड़ेगा। नागदेवी जी बोले कि मैं नहीं करूँगा, ये मुझे स्वीकार नहीं था। हमने कहा कि भाई फिर नहीं हो सकता, फिर हम किसी दूसरे राइटर को बुलाएंगे, और वो इस तरह से उनकी स्क्रिप्ट चली गई और अरुण शिंदे की स्क्रिप्ट आई। अरुण शिंदे ने स्क्रिप्ट बनाई, हमारे कहने से बनाई, मैंने कई सीन्स लिखे, मैंने ऐसे कैरेक्टर्स उस पर इंट्रोड्यूस किए जो ये सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है ना, जो इन्होंने काम किया है ना, ये अर्जुन रामपाल की बात करते हैं,
उनके वीडियोज इन्होंने डाले जब नरेशन के लिए गए थे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, जिसमें उसी मीटिंग में ये इन्होंने जो एडिटिंग करके अपना अपना डाला ना, अब उसी मीटिंग में अर्जुन रामपाल जी अरुण शिंदे के स्क्रिप्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ओके, देयर फ्यू थिंग्स आर वेरी डिसजॉइंटेड फॉर मी। Yeah, you know, I felt and also no there's too much childishness is there in the screenplay, because it's removing away the seriousness of the there is no connectivity also, yeah. And there is no storyline till later. We need various, to various change. Things are happening in so many places. I think the also see the comedy in one place is okay, but a big war like the Nizam's war, to say that they want it in such a comic character is not going to be digested by the audience. That is what I had suggested. There has to be emotion. Sidna should not be a comic character. You know, it thoda sa ho gaya hai. Yeah. See, like even for me, like when I'm saying, वो क्या कह रहे हैं? The script is childish. ये childish लगती है, मतलब बचकानी लगती है। और हमारे जो डीओपी है वो भी उनकी पुष्टि कर रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। और फिर दूसरा कमेंट अर्जुन रामपाल जी का क्या है कि आपने इसको कॉमिक बना दिया, हीरो को कॉमिक बना, सिद्धार्थ योद्धा महार का, महार समाज का योद्धा, जिसके मुंह में आपने नैरेटिव दिया कि इनको हकालो, इनको पराजित करो, उस कैरेक्टर को आपने कॉमिक बना दिया। और आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि आपके स्क्रिप्ट पर हम काम करें, वो स्क्रिप्ट पर हम काम करें। मैंने भी उसी वीडियो में मेरी आवाज़ है, देखिएगा, मैंने भी कहा था कि मैंने इनको बोला कि भाई ये आप ये कॉमिक जो बना दिया ना आपने, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये ठीक नहीं करके। तो फिल्म का मेन हीरो जिसको अनुभव है, इतना बड़ा अनुभव है, वो व्यक्ति कह रहा है ये बचकाना है, चाइल्डिश है, और ये कॉमिक बनाना मतलब लोग हंसेंगे, ये भी कमेंट है उनका। और दूसरे वीडियो में ये कहा है उन्होंने, अरे आप इस पर अगर फिल्म बनाएंगे ना तो सारा समाज हंसेगा, कौन देखेगा आपकी फिल्म। इसलिए हमने अरुण शिंदे को कहा कि इसमें आप चेंजेस करो। तो अब मुझे उन्होंने प्राइवेट में बता दिया था कि रमेश जी ये लड़का ये काम नहीं कर पाएगा, ये स्क्रिप्ट लिख नहीं पाएगा, हमको दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। ये उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे, और इसलिए हमने दूसरे राइटर को लाया, विशाल विजय कुमार, काबिल राइटर है ये। हम देखना अरुण शिंदे, तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, बहुत कम पोर्शन उसका हमने फिल्म में लिया है, लेकिन मुश्किल से दो चार सीन इसी प्रकार का, 10% अराउंड 10% इतना लिया होगा। लेकिन अभी हमारे ये 3000 लोग क्या कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो लिखा है वो भी हटा दो, आप दूसरे सीन्स लिखो, और इसका तो नाम ही नहीं होना चाहिए फिल्म में, यह गद्दार है, यह समाज का गद्दार है, इस गद्दार का नाम इस फिल्म के साथ में मत जोड़ना साहब, इसको हटाओ, इनके सीन्स हटाओ, और हम रीशूट करेंगे जो तीन चार सौ शूट जो है हमने जो किए होंगे, सीन्स किए होंगे, वो रीशूट करो, और अपने मेन राइटर को बोलो कि आप लिखो, अलग प्रकार का लिखो, ये लोग बोल रहे हैं, इस पर निर्णय करना है मेरे को। अगर तुम माफ़ी मांग लो, लिखित माफ़ी चाहिए मेरे को, लिखित, न केवल मेरी बल्कि पूरे आंबेडकर वादियों की माफ़ी तुमको मांगना पड़ेगा कि मैं किसी के बहकाव में आके, मुझे मालूम है तुम मनुवादियों के चंगुल में फंसे हो, ये सब जो है मनुवादी तुमसे करा रहे हैं, ये बाबा साहब का नाम पसंद नहीं करते, तो भीमा कोरेगांव पर इतनी बड़ी फिल्म आ रही, ये कैसे पसंद करेंगे, इनको एन केन प्रकार है ना इस फिल्म को रोकना है, लेकिन ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं इस फिल्म को रोकना, रोक ही नहीं सकता कोई माई का लाल। और जैसा मैंने कहा, अब ये मेरी फिल्म नहीं है, ये समाज की फिल्म है, और इसलिए मैं समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब के कारवां को
रुकने मत देना भाइयों, रुकने मत देना इसको। अरुण शिंदे जैसे लोग आएंगे जाएंगे, रमेश थेटे जैसे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये अम्बेडकरवाद का कारवा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ये रथ मैंने यहाँ तक के लाया है। अगर आपसे ये ना हो कि आप उसको आगे ले जाओ, तो कम से कम इसको पीछे मत धकेलना, ये बाबा साहब ने कहा था। वो मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी। मेरे मन में जो एजेंडा है वही है अंदर, और वही बाहर है। मुझे बाबा साहब के नाम से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 लाख रुपए मिलते थे मेरे को नौकरी में, 3 लाख रुपए पगार मिलती थी मेरे को। अरे मैं 7 स्टार होटल में क्यों नहीं रह सकता भाई? मैंने अपने परिवार की नहीं सोची, आप देख लीजिए, मैंने अपना खुद का कंफर्ट नहीं देखा। मेरे मन में केवल और केवल बाबा साहब का मूवमेंट दिखता है, और मैं इसी मूवमेंट के अनुसार जो कर रहा हूँ। और ये भीमा कोरेगांव का प्रोजेक्ट तो है ही है, आने वाले जो प्रोजेक्ट है ना, वो देखेंगे ना आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे बाबा साहब ने अपने अपने परिवार की कुर्बानी दी ना, अरे हम ही लोगों के लिए दी है। रमाई क्या करती थी हाँ? अरे अरुण शिंदे जरा शर्म कर भाई, अरे सोच जरा, तू तो कहाँ जा रहा है, किसके चंगुल में फंसा है? मैं तेरे को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर तू माफ़ी मांगेगा तो। जैसा मैंने निवेदन किया अभी इसके पहले, मैं तेरा नाम देने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने एग्री किया था राइटर्स एसोसिएशन में, एग्री किया था। राइटर्स एसोसिएशन ने भी ये नहीं कहा था कि इनको पैसे ज़्यादा दो, ये कहा ही नहीं, क्योंकि वो बंदे हैं, उनके पास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अनुसार तेरे को पैसे मिले हैं। लालच में मत आ, अगर तू ये चाहता है कि तेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और ये नई ज़िंदगी तू शुरू करना चाहता है, अगर तुझे लगता है, तो तू नई ज़िंदगी शुरू कर मेरे भाई, मैं तेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरा भूल जाऊँगा, तूने मेरी क्या बदनामी की, मुझे क्या क्षति पहुँचाई, मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। लेकिन ये जो है बाबा साहब का मूवमेंट, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात केवल और कहना चाहता हूँ और मैं समाप्त करूँगा, ये मत सोचना कि तुम इतने बड़े हो गए हो। तुमने इसके पहले क्या किया था, ये मैं तुम्हारा पहला शिकार नहीं हूँ। तुमने इसके पहले भी ऐसे काम किए हैं, साजिद नाडियाड वाला, हाउसफुल 2, जो तुमने खुद बताया था मेरे को कि तुमने ये कहा था कि ये हमारी कहानी है करके। तुमने केस लगाया था नाडियाड वाला के खिलाफ में, साजिद नाडियाड वाला, हाई कोर्ट में। क्या हुआ, तुम केस हार गए, कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। वही चीज़ तुम मेरे साथ करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तुमको यहीं हरा दिया। अगर तुम नहीं मानोगे ना मैंने जो अभी कहा, माफ़ी नहीं मांगोगे ना, जाओ तुम कोर्ट, वहाँ पे ऐसा तमाचा पड़ेगा तुम्हारे चेहरे पे कि तुम कभी कभी भूल नहीं पाओगे। ये समाज अम्बेडकरवादी समाज, तब तो बात साजिद नाडियाडवाले की थी, वो अम्बेडकरवादी नहीं थे। अभी अम्बेडकरवादी व्यक्ति के साथ में तुमने ये किया है, समाज तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा करेगा। और ये इतना बड़ा तमाचा तुम्हारे मुँह पे लगेगा, तुम अब भूल जाओ। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुमको इंडस्ट्री में, तुम्हारा इंडस्ट्री के हर प्रोडक्शन हाउस में तुम्हारा नाम गूंज रहा है, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुमको एक पैसे का कोई काम नहीं देगा। तुमने एक गुनाह और किया है शिंदे, हमारी परमिशन के बगैर तुम मुंबई के ऑफिस से हमारा लैपटॉप लेके गए हो। ये चोरी है, 379 अपराध है ये, देख लो कितनी सजा है इस अपराध में। अभी तक हम थाने गए नहीं, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारी कार्रवाइयाँ चल रही है ना, झूठी, अरे तुम तो दलदल में फंसे हो अपराधों के। तुम हमको पुलिस स्टेशन का डर मत दिखाओ, तुम खुद चोर हो, तुमने चोरी की है हमारे लैपटॉप की। तुमको कई बार बोला गया कि तुम लेके गए हो हमारे यहाँ से, वापिस करो। धनंजय गलानी ने तुमको कई बार बोला है, लेकिन तुमने वापिस नहीं किया, तुमने चोरी की है, ये गुनाह है, अपराध है।
और उसकी सजा है, देख लो आईपीसी पढ़ना 379। और इतना ही नहीं, तुम देख लेना तुमने जिस प्रकार से मानहानि की है, मेरी, मेरे परिवार की और ये 3000 किसानों की जो मानहानि की है ना, कितना बड़ा दावा लगेगा, सोचा है कभी? मैं दावा लगाऊंगा, मानहानि का दावा, क्रिमिनल केस भी, क्रिमिनल केस मानहानि और सिविल केस भी होगा, दोनों लगाएंगे हम। फिर तुमको लगेगा कि तुमने क्या कर लिया, क्या कर दिया तुमने, क्या कांड किया, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इस प्रकार के व्यक्ति हो तुम। अब मैं एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, अरुण शिंदे ने जो बातें मेरे संबंध में कही है, मेरी बदनामी की है या जो भी कहा है सोशल मीडिया में, मैंने बहुत धैर्य रखा, जब तक कि मुझ तक बात थी तब तक कुछ नहीं किया, लेकिन जब समाज ने मुझे बोला, समाज के लोगों ने बोला, क्योंकि समाज का नुकसान करना चाह रहा था, तब मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसका खुलासा कर लेता हूँ। मैंने आज कह दिया, एक एक चीज़ का खुलासा हुआ है और अरुण शिंदे के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ये मेरा पहला वीडियो था और आखिरी वीडियो है इस संबंध में। इसके बाद अगर अरुण शिंदे कुछ भी बोलेगा, सोशल मीडिया पे कुछ भी डालेगा मेरे खिलाफ में, धमकी देगा और या कोई और बात होगी, तो मैं सोशल मीडिया पे उसके संबंध में कोई वीडियो नहीं डालूंगा। सीधा हम कार्रवाई करेंगे, न्यायालय कार्रवाई करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, अब वो सबके सामने होगी। मेरी तरफ से इस एपिसोड का ये समापन है, बाकी अरुण शिंदे की मर्जी, उसको क्या चाहिए। जय भीम।